हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी फिल्मों के मशहूर खलनायक ओम शिवपुरी के बारे में बताने जा रहे हैं। जानें कैसे सिर्फ 52 साल में ही इनकी दुखद मौत हो गई थी। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में 70 के दशक में एक बेजोड़ अभिनेता खलनायक के रूप में दर्शकों का दिल जीत रहा था। हर दूसरी हिंदी फिल्मों में नजर आने वाले उस बेजोड़ विलेन का नाम ओम शिवपुरी था। अक्सर स्मगलिंग के धंधे में लिप्त बिजनेसमैन की भूमिका में वो गजब की एक्टिंग किया करते थे। 14 जुलाई 1938 को पंजाब के पटियाला में जन्मे इस महान अभिनेता ने अपना करियर जालंधर रेडियो स्टेशन में नौकरी से शुरू किया था। इनकी शादी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। रेडियो स्टेशन पर नौकरी करते हुए इनकी पहली मुलाकात एक सुंदर सी लड़की से हुई जिनका नाम सुधा था। सुधा और ओम की दोस्ती हो गई और दोनों में प्यार हो गया। बाद में ओम शिवपुरी दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई करने चले आए। दूसरी ओर सुधा के घर वाले उन पर शादी का दबाव बनाने लगे। ओम शिवपुरी ने तरकीब निकाली और सुधा का दाखिला भी अपने साथ ही करवा लिया। इसके बाद भी घर वाले सुधा की शादी के लिए लड़का देख रहे थे, तो ओमपुरी ने घर वालों के खिलाफ जाकर साल 1968 में उनको अपनी पत्नी बना लिया। सुधा भी आगे चलकर टीवी की मशहूर कलाकार बनी। शुरुआत में ओम और सुधा नाटकों में काम करते थे, लेकिन बाद में दोनों ने बंबई जाने का फैसला कर लिया। यहीं से ओम शिवपुरी की किस्मत चमक गई। साल 1971 में आई फिल्म असाड़ का एक दिन से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। पहली ही फिल्म से उनको पहचान मिल गई। फिर 1972 में गुलजार की फिल्म कोशिश में भी उनके अभिनय को जमकर सराहा गया। धीरे धीरे उनको बड़ी फिल्मों के ऑफर भी आने लगे, जहां उनकी पत्नी सुधा दोनों बच्चों ऋतु और विनीत को संभालने में व्यस्त हो गई। वहीं ओम शिवपुरी हिंदी फिल्मों के बड़े खलनायक के रूप में उभरने लगे। नमक हराम, अचानक, आंधी, शोले, डॉन, द ग्रेट गैम्बलर, द बर्निंग ट्रेन, नसीब, कुली और आखिरी रास्ता से लेकर कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी बेमिसाल अदाकारी से ओम शिवपुरी उस दौर में राज करने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक सब कुछ बिखर गया। अपने काम में बिजी ओम शिवपुरी कम उम्र में ही हृदय रोग संबंधी गंभीर बीमारी का शिकार हो गए थे। अंतिम दिनों में वो कुछ समय से परेशान रहने लगे थे। दिल की बीमारी कम उम्र में ही उनकी जान ले लेगी, ये उन्होंने सोचा तक नहीं था। 15 अक्टूबर 1990 के दिन अचानक उनके दिल और बाएं हिस्से में तेज दर्द होने लगा। उनको बहुत तेज दिल का दौरा पड़ा और दर्द से तड़पते महान अभिनेता के हृदय ने काम करना ही बंद कर दिया, जिससे सिर्फ 52 साल में ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इतनी कम उम्र में उनकी मौत ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी हैरान कर दिया था। उनकी कई फिल्में तो मौत के बाद रिलीज हुई थी। दोस्तों, आपको ओम शिवपुरी का कौन सा किरदार याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।